भारत में हर साल लगभग 1 करोड़ टन दूध से अंदाजन 20 लाख टन खोया बनता है। 20 लाख टन, बिल्कुल इसी तरह ऐसी कंडीशन में इतने खराब तरीके से। सोचने की बात यह है कि आज के समय में जब सब कुछ टेक्नोलॉजी से स्वच्छ, उत्तम क्वालिटी और कंसिस्टेंसी से बनता है, खोया जो हमारे कल्चर का इतना अहम हिस्सा है अभी भी अनहाइजीनिक कंडीशंस में बनता है। इतने बड़े डेयरी प्लेयर्स हैं, सब टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से अच्छी क्वालिटी का दूध, दही, मक्खन बनाते हैं, पर खोया उसको अब तक सब ने नज़रअंदाज किया है। और जो टेस्टी मिठाई आप खरीद के खाते हैं उसमें आज तक यही अनहाइजीनिक खोया डाला जाता है। तो सवाल ये बनता है कि आज तक किसी ने मॉडर्न टेक्नोलॉजी से खोया क्यों नहीं बनाया। इसके दो कारण हैं। पहला ये कि पूरी दुनिया में खोया सिर्फ भारत में बनाया जाता है और जितनी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुई है ये सिर्फ विदेशी प्रोडक्ट्स के लिए विदेशों में हुई है। दूसरा कारण ये है कि नई टेक्नोलॉजी को बनाने में या विदेशी टेक्नोलॉजी को मॉडिफाई करने में बहुत समय, पैसा और मेहनत लगती है। बहुत साल से मैं इसी मुद्दे पर काम कर रहा था और किसी भी डेयरी प्लेयर ने खोया को मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाने की कोशिश नहीं करी। पर एक दिन सेक्रेटरी इंचार्ज और डेयरी डेवलपमेंट तरुण श्रीधर के लिखित डेयरी इंडस्ट्री और खोया से संबंधित आर्टिकल को पढ़ के एक शख्स ने मुझे फोन किया। वो थे यूपी के ज्ञान डेयरी के MD जय अग्रवाल और उन्होंने ना सिर्फ इस आइडिया में दिलचस्पी दिखाई बल्कि दुनिया का पहला भारतीय पेटेंट प्रक्रिया के साथ निर्मित मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाए जाने वाला फुल्ली ऑटोमेटिक खोया प्लांट लगाया। ज्ञान विश्वास से भरा।